हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हुए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में फर्स्ट ओडीआई मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी का न्योता दिया। दोस्तों, साउथ अफ्रीका का यह फैसला एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने यह गलत ले लिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका जब पहले बल्लेबाजी करने पिच पर उतरी तो उनके 48 रनों पर 3 विकेट गिर चुके थे। साउथ अफ्रीका का पहला विकेट पहली गेंद पर जाने मन मलान के रूप में गिरा। वह पहली गेंद पर LBW हो गए स्टार्क की। दोस्तों, उसके बाद साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट कैप्टन डीकॉक के रूप में गिरा। कैप्टन डीकॉक एक अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन वह इस मैच में 16 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए एक चौके की मदद से। उसके बाद बवुमा जल्दी आउट हो गए, उन्होंने 30 गेंदों पर 26 रन बनाए 3 चौकों की मदद से, और वह बोल्ड हो गए कमिंस की गेंद पर। दोस्तों, इस प्रकार साउथ अफ्रीका के 48 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका इस मैच में भी जल्दी आउट हो जाएगी, जैसे वह 2020 मैचेस में आउट हुई थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद वर्नी और क्लासेन ने मिलकर साउथ अफ्रीका को काफ़ी हद तक संभाला। वर्नी ने आउट होने से पहले 64 गेंदों पर 48 रन बनाए 2 चौकों की मदद से, लेकिन उसके बाद क्लासेन का साथ दिया मिलर ने। मिलर और क्लासेन के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। इन दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका को 275 रन तक ले गए। दोस्तों, साउथ अफ्रीका का पांचवा विकेट मिलर के रूप में गिरा। मिलर ने आउट होने से पहले 70 गेंदों पर 64 रन बनाए 4 चौके और 1 छक्के की मदद से, लेकिन दोस्तों, इन्होंने आउट होने से पहले साउथ अफ्रीका को एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचा दिया था, और जो उनकी भूमिका थी वह उन्होंने अच्छी तरीके से निभाई। उसके बाद फ्लिंकवावो 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर रन आउट हो गए। महाराज 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर बोल्ड हो गए स्टार्क की गेंद पर। दोस्तों, आज साउथ अफ्रीका के हीरो रहे क्लासेन लास्ट तक नॉट आउट रहे। उन्होंने शानदार और धुआंधार 114 गेंदों पर 123 रन बनाए 7 चौके और 3 छक्के की मदद से। वह इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। नोटेजे भी लास्ट तक नॉट आउट रहे, उन्होंने 1 गेंद पर 1 रन बनाया। इस प्रकार साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 291 रन बना लिए और ऑस्ट्रेलिया के सामने 292 रनों का टारगेट रखा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका वैसे ही 2020 में अपने खराब प्रदर्शन की वजह से 2-1 से 2020 की सीरीज गंवा चुकी थी। उनका कॉन्फिडेंस वैसे भी लूज था, लेकिन उन्हें एक जीत जरूर चाहिए थी जो उनका जो कॉन्फिडेंस था उसको अप कर सके। दोस्तों, आज ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में कोई दमखम नहीं दिखा। वह कहीं भी साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को बांधने में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि शुरू में थोड़ा ऐसा लगा था, लेकिन उसके बाद वह कहीं भी अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क ने 10 ओवर में 59 रन देकर 2 विकेट लिए। हेजलवुड ने 10 ओवर में 63 रन देकर 1 विकेट। कमिंस ने 10 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट। मिचेल मार्श ने 5 ओवर में 35 रन देकर 0 विकेट। डी आर्ची शॉट ने 5 ओवर में 35 रन देकर 0 विकेट। जंपा ने 10 ओवर में 48 रन देकर 0 विकेट। दोस्तों, इस प्रकार साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 292 रनों का टारगेट रखा। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 292 रनों का टारगेट लेकर पिच पर उतरी तो ऑस्ट्रेलिया का भी पहला विकेट फिंच के रूप में गिरा, जो कि कैप्टन है। फिंच ने आउट होने से पहले 12 गेंदों पर 10 रन बनाए 1 चौके की मदद से। उसके बाद वार्नर भी जल्दी आउट हो गए, उन्होंने 27 गेंदों पर 25 रन बनाए 3 चौकों की मदद से। लेकिन उसके बाद स्मिथ और लवचगने ने मिलकर और संभल कर खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में जरूर पहुंचाया, लेकिन वह भी ऑस्ट्रेलिया को जीत नहीं दिला सके। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट लवचगने के रूप में गिरा, जिन्होंने आउट होने से पहले 51 गेंदों पर 41 रन बनाए 2 चौकों की मदद से। दोस्तों, इनके आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के विकेटों का सिलसिला ऐसे गिरा कि वह पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए और 45.1 ओवर में ही ऑल आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट मिशेल मार्श के रूप में गिरा। मिशेल मार्श ने आउट होने से पहले 19 गेंदों पर 16 रन बनाए 1 चौके की मदद से। उसके बाद जो कि अच्छा खेल रहे थे इस मैच में, स्टीवन स्मिथ भी आउट हुए, उन्होंने 94 गेंदों पर 76 रन बनाए 3 चौकों की मदद से। दोस्तों, उसके बाद कोई भी प्लेयर अच्छा स्कोर नहीं बना पाया। कैरी 16 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए। डी आर्ची शॉट
24 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए एक चौके की मदद से। स्टार्क 12 गेंदों पर 5 रन बनाकर रन आउट हो गए। कमिंस 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुए, उन्होंने अपनी पारी में एक चौका लगाया। हेजलवुड 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। जंपा लास्ट तक नॉट आउट रहे, उन्होंने 5 गेंदों पर 7 रन बनाए एक चौके की मदद से। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर बिना खेलते हुए केवल 45.1 ओवर में ही 217 रनों पर ऑल आउट हो गई और उन्होंने यह मैच 74 रनों से गंवा दिया। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की आज की बैटिंग अच्छी रही और बॉलिंग उससे भी अच्छी रही, इस वजह से साउथ अफ्रीका यह मैच 74 रनों से जीती भी और जो ये 3 ODI की सीरीज है इसमें 1-0 से बढ़त भी बना ली। साउथ अफ्रीका की तरफ से बॉलिंग में महाराज ने 10 ओवर में 48 रन देकर 1 विकेट लिए। नॉटजे ने 7.1 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट। नगीडी ने फिर से अच्छा प्रदर्शन करते हुए 8 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। फिलिंकुआवो ने 10 ओवर में 52 रन देकर 1 विकेट। शम्सी ने 10 ओवर में 45 रन देकर 2 विकेट। दोस्तों, आज साउथ अफ्रीका ने यह मैच 74 रनों से जीत लिया और इस 3 ODI की सीरीज़ में भी 1-0 से बढ़त बना लिया है। हो सकता है वह अपने 2020 का हार का बदला इस ODI सीरीज़ में ले लें। आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें इसके बारे में राय जरूर दें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो ये ODI की सीरीज है ये ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या साउथ अफ्रीका। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।